दोस्तों, सुमर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान अब्दुल शुकुर हाजिर है आपकी खिदमत में। आज तारीख है 10 सितंबर 2021 और टाइम है तकरीबन 12:30 का, जुमे का दिन है, जुमे का टाइम ही होने वाला है। तो उससे पहले वीडियो बनाते हैं और आपको अपडेट देते हैं। आज हम बात सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं, यहाँ पर चेक करें तो ये इंडेक्स जो है ये फेयर वाली साइड पर ज़्यादा है। देखें इनके जो इस टाइम मार्केट है वो फेयर में है, तो जो जब मार्केट फेयर में होती है तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है मेरी नज़र में, क्योंकि फेयर मींस ये है कि मार्केट इस टाइम जो है वो डाउन में जा चुकी है अपनी, मतलब जितने डाउन है वो डाउन में पड़ी है। तो अब इसे यहाँ से इसका इसके पोटेंशियल बन रहा है, ठीक है ना। मज़ीद थोड़ा सा फेयर में जा सकती है, लेकिन ये है कि दोबारा इसे रिटर्न यहाँ से वापस लेना ही लेना है इंशाल्लाह। तो अब हम आगे चलते हैं, अपनी ग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैंने ये BTC का चार्ट खोल लिया है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर जो बिटकॉइन है उसने अपनी जो रजिस्टेंस है, जो नई रजिस्टेंस बनाई हुई है वो 45-46 पर जो है नई रजिस्टेंस बनाई हुई है BTC ने अपनी। तो अब हम इसको जो है ना इसमें दो तरीके से देखेंगे हम। एक तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखें ये जो है ना, कहते हैं मैं ड्रा करके आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ से एक ड्रा करते हैं हम, यहाँ से एक ये पैटर्न होता है, ये देखें ये पैटर्न होता है, ठीक है ना, एक ये पैटर्न होता है। और इसमें ये देखें आप जो है ना, कहते हैं ना मार्केट ऊपर गई फिर थोड़ी सी नीचे आई और फिर ऊपर गई और फिर उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई फिर ऊपर गई। इसको हम जो बोलते हैं ना वो सिनेरियो बोलते हैं बुलिश सिनेरियो, ठीक है ना। तो ये इस मार्केट को हम बोलेंगे बुलिश मार्केट। जैसे आप ये देख रहे हैं बिटकॉइन में, यहाँ से पहले यहाँ ऊपर आई फिर थोड़ी सी नीचे आई फिर ऊपर गई फिर यहाँ से थोड़ी सी नीचे आई फिर यहाँ ऊपर गई फिर थोड़ी सी नीचे आई, ठीक है ना। तो ये इसको हम बुलिश बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से अचानक ये डिप कर गई, यहाँ पर ये आ गई नीचे 42 पे आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना 42 पे आ गई है, तो अब हम इसके बाद जो है ना, कहते हैं हम इसको यहाँ से इस सिनेरियो में देखेंगे। मैं जो ड्रॉ कर देता हूँ पहले, मैं इसको डिलीट कर लूँ लाइन को। अच्छा, ये अब हमारे जो है, क्या ना, बिटकॉइन इस टाइम जो करंटली ट्रेड हो रहा है 46,000 पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर ये एक बात ये देखें, इसे नई रेजिस्टेंस अपनी जगह बना ली 45-46। तो अब यहाँ पर अब जो है, अगर हम ब्लिश सिनेरियो को देखें ना, जो जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, या अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं ना ये वाला, तो इसमें ये हो सकता है कि वो अगर सिनेरियो को कॉपी करें तो फिर ये देखें यहाँ पर जाकर इसके बाद ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी ब्लिश सिनेरियो में काउंट हो सकता है, क्योंकि इसमें देखें अब ये यहाँ पर आके ना, यहाँ पर इसकी जो ये है ना, ये जो लाइन है ये इसकी नई रेजिस्टेंस बन गई 46,000, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ से इसको पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ से इसको पोटेंशियल मिलेगा, यानी कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है ना। ज़्यादा चांस से ही है मोस्टली, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिप्टो एक जो है, जो क्रिप्टो है ये बेसिकली टोटली अनएक्सपेक्टेड, और कोई भी इसके बारे में 100% प्रिडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा प्रोफेशनल भी इसके बारे में 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हम अपनी कोशिश करते हैं, अपने हमारे हर एक हर पर्सन की अपनी रिसर्च होती हैं, मेरी अपनी है, मे भी गलत भी हो सकती हैं। तो अब ये यहाँ से इसको पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये जो इसका नया पोटेंशियल जो बन रहा है ना, जो मेरे हिसाब से बनेगा वो तकरीबन ये अब ये यहाँ से जो है 55+60 क्रॉस कर सकती है, क्योंकि यहाँ से इसको पोटेंशियल मिल रहा है। अगर ये पोटेंशियल को अपने कवर करती है और ये 50 अगर क्रॉस कर जाती है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ 50 तक यहाँ पहुँच जाती है, तो फिर यहाँ से इसने जो है ना, कहते हैं मैं अब ये बताता हूँ यहाँ से, ये देखिए यहाँ, अगर ये 50 तक क्रॉस कर सकती है, यहाँ से 50 क्रॉस करेगी तो ये यहाँ से जो इसका पोटेंशियल बन रहा है वो 57-60 तक मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है। और मज़ीद नीचे भी जा सकती है, अगर नीचे आती है तो फिर ये तकरीबन 38-40 तक जाएगा, अगर ये नीचे जाता है तो 38-40 तक जाएगा। तो अभी मैं आपको जो एडवाइस करूँगा वो यही है कि अगर जो है ये 50 के करीब पहुँच जाता है तो आप इसके अंदर इन हो जाएं, ठीक है। मार्केट इन टाइम है, 50 के करीब इसका इन टाइम है मार्केट में, ठीक है।
50 के करीब अगर आप इन होते हैं तो इसको जो है ये 60 तक ही जाएगा, लेकिन अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को वो नहीं करता, तोड़ नहीं पाता, तो फिर जो जो इन करना है आपने वो 42 से लो में ही करना है। इसके यहाँ से अच्छी स्पोर्ट मिली है इसको 42 से, जो स्पोर्ट इसकी अच्छी है, तो आप यहाँ लिमिट 42 की लगाएंगे अगर मार्केट में इन होना है, ठीक है। अगर ये जो है 42 को इसको बरकरार रखती, यहाँ से ऊपर नहीं जाती, तो फिर आपने अगर मतलब बीटीसी में अगर इन्वेस्ट किया हो तो आप उसको आउट कर दें, अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लें, क्योंकि ये यहाँ से जो इसकी रेजिस्टेंस अगर रेगुलर थोड़ा सा यहाँ पर रहती है तो फिर इसके बाद डेफिनेटली इसे नीचे आना है, 40 से भी नीचे और 38 तक आ सकता है कार्बन, ठीक है ना। तो इसलिए ये टाइम आउट होने का मार्केट से बाहर कर जैसे सरमाया बाहर निकाल लें आप सारा, या थोड़ा सा वेट कर लें अगर मतलब ये रेजिस्टेंस आप थोड़ी सी और रेजिस्टेंस रहती है यहीं पर, एक दिन या दो दिन और रेजिस्टेंस यही रहती है, यहीं पर रेजिस्टेंस की परमानेंट हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ जो है वो कर सकता है, मतलब बैक आ सकता है, नीचे आ सकता है, 38 तक आ सकता है। तो इसलिए अगर ये रेजिस्टेंस दो दिन और प्रकार रहेगी तो आप अपना जो है आउट कर दें, बीटीसी से निकाल लें अपने, और फिर उसके बाद जो इन टाइम होगा वो 38 इन टाइम होगा। इस टाइम जो स्नैरियो है उसके अंदर जो इन टाइम है वो 50 है, आप 50 की लिमिट लगा सकते हैं, ये जैसे 50 क्रॉस करेगा उसके बाद ये 60 तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, बाकी गलत भी हो सकता है, आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, जब भी इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट आउट करें तो अपनी रिसर्च करें, ठीक है ना। तो उसके बाद हम एक और कॉइन ऑल्ट कॉइन की बात, हाँ एक और मैं बात ऑल्ट कॉइन के बारे से बात करूँ, ये ऑल्ट कॉइन के बारे में जब बात हम करें तो जब ये बीटीसी की रेजिस्टेंस बन जाती है ना, तो ये जब मतलब एक जगह पर स्टेबल हो जाता है बीटीसी, तो ये ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। ये यहाँ पर ऑल्ट कॉइन, यहाँ पर बीटीसी की वजह से आउट करें और ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर इस टाइम पर, तो जब तक ये स्टेबल रहेगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस बरकरार रहेगी, तब तक वो ऑल्ट कॉइन इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है ना। ये ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा टाइम होता है। अब हम ऑल्ट कॉइन की बात करते हैं तो उसमें हम निकाल लेते हैं SLP की, मैं बात करता हूँ SLP USDT, ये तो इस पर हम देखें तो इसको आप ग्राफ को चेक करें तो इसके देखें 0.4 तक इसका टॉप है, और इसकी जो इसको जो स्पॉट मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। तो इसको भी ये अभी ये डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो इसमें अभी इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अभी इसका जो ग्राफ है वो बेरिश की तरफ है, ठीक है ना। बेरिश मार्केट की ग्राफ इसका बेरिश है, आप यहाँ पर अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर ये देखें, ये इसकी जो स्पोर्ट अच्छी मिली है 0.08 पर, आप इसको लिमिट लगा लें, अगर यहाँ पर आप बाय कर लें तो ये अच्छी स्पोर्ट है, यहाँ से मतलब आपको लॉस नहीं होगा, कम से कम कुछ ना कुछ बच जाएगा आपको, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाता है, ये मतलब अगर ये वाली रेजिस्टेंस अपनी क्रॉस करता है, आप ये लिमिट लगा सकते हैं अपनी 1.13 लगा सकते हैं आप बाय लिमिट, अगर ये यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर ये बहुत चांस है बहुत ज़्यादा कि ये 33.33 की क्रॉस कर जाएगा, और ये अपना ऑल टाइम को भी क्रॉस करता है, ऑल टाइम नहीं कह रहा, ये जो इस डेट पर था 0.41 को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को लाइक करें और शेयर कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।